Hello friends, good morning and welcome back to lecture series on unit number 12 and 13, that is applied biology and methods in biology. These two units covers different type of techniques like separation techniques, immunological techniques, molecular techniques, and as all these type of techniques already we discussed up to the previous lecture, and in last lecture we started how to obtain knockout organisms. We already discussed about one method to obtain the knockout organism, that is a homologous recombination based knockout mice. Already we discussed about what is mean by gene knockout. Consider this is a gene. That gene may be a gene A, and we don't know what is the role of this gene A, whether it is involved in morphological functions, whether it is involved in biochemical activities or any other behavioral activities or in developmental activities. इस जीन का फंक्शन पता करने के लिए जो रिवर्स जेनेटिक्स बेस्ड अप्रोच हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, दैट इज अ नॉकआउट अप्रोच. जीन का फंक्शन लॉस करना, जीन के एक्टिविटी को इनएक्टिव करना, इसे जीन नॉकआउट कहा जाता है. सो मेकिंग द जीन इनएक्टिव कॉल्ड एज नॉकआउट gene, and the organism or the cell which contains such type of gene or inactive gene, this organism is known as knockout organism or knockout cell. जैसे जीन ए का फंक्शन पता करने के लिए जीन ए का इनएक्टिवेशन करना, इसे कहा जाएगा नॉकआउट टाइप ऑफ ऑर्गेन और नॉकआउट जीन नॉकआउट और सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नॉकआउट ऑर्गेनिज्म. अब जीन का फंक्शन इनएक्टिव करना मींस क्या है? जीन का फंक्शन क्या है? जीन का एक्सप्रेशन होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. एक्सप्रेशन अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. फर्स्टली एमआरएनए सिंथेसाइज, दिस एमआरएनए अंडरगो द ट्रांसलेशन टू फॉर्म प्रोटीन, और प्रोटीन पर कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होकर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में आता है, और कुछ फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल रोल करता है. अल्टीमेटली इस प्रोटीन का रोल नहीं होना चाहिए, और इस रोल को इनहिबिट करने के बाद क्या फिजियोलॉजिकल क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, इसको ऑब्जर्व कर आप इस पर्टिकुलर जीन या प्रोटीन का फंक्शन पता कर सकते हो. जैसे हमने जीन ए को नॉकआउट किया, इसका फंक्शन इनएक्टिव किया, और उसके बाद हमने ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, तो ऑर्गेनिज्म जो पहले नॉर्मली आईज डेवलप कर रहा था, ऑर्गेनिज्म आईज डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है. इसका मतलब इस जीन का फंक्शन आईज डेवलपमेंट में है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस, दे मे बी देयर फॉर अ पर्टिकुलर जीन. इस फंक्शंस को पता करने के लिए नॉकआउट ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं, और ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि नॉकआउट ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है. मेनली फर्स्ट टेक्निक हमने डिस्कस किया था जीन रिप्लेसमेंट. नॉर्मली जो नॉर्मल जीन होता है, इस से म्यूटेंट जीन को रिप्लेस करना, या कोई मार्कर जीन से इसको रिप्लेस करना, या इस जीन का फंक्शन इनहिबिट करना, इनएक्टिव करना, दिस इज कॉल्ड एज जीन नॉकआउट. हाउ इट इज डन, दैट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड बाय यूजिंग एन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बेस्ड टेक्निक, बट दैट टेक्निक इज मोर टेडियस. There are some other techniques which are available, and some other techniques which are available which are going to discuss in the today's lecture. So in this lecture we are simply discussing about knockout techniques based on site specific nuclease activity. So gene knockouts using site specific nuclease activity, and here we use particular nuclease which specifically recognize a desired gene or gene of interest and cleave it on both the strands. जैसे यहाँ पर कोई double stranded DNA है, and this part of this double stranded DNA carry a gene A. अब gene A का function loss करना है, तो
जीन ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस आप यूज कर सकते हो. दिस न्यूक्लियस इज एक्चुअली गो एंड बाइंड ऑन द जीन ए स्पेसिफिक एट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड पुट अ डबल स्टैंडर्ड क्लीवेज, डबल स्टैंडर्ड कट यहां पर बनाएंगे दैट लीड टू अ डबल स्टैंड ब्रेक. सो दिस इज द डबल स्टैंड ब्रेक. अब यहां पर डबल स्टैंड ब्रेक आएगा. सो नाउ दिस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कैन बी रिपेयर बाय डिफरेंट वेज. द मोस्ट इफिशियंट वे इज नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मैकेनिज्म से इस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को रिपेयर किया जाएगा. और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मैकेनिज्म इज नॉट अ परफेक्ट वे ऑफ रिपेयर, इट इज एरर प्रोन रिपेयर. NHEJ will introduce some insertions, कुछ extra nucleotide add करेंगे, extra nucleotide add किए जाएंगे during the NHEJ. And sometimes some nucleotides are deleted, so there is some deletions. Due to this insertion deletion, these two different type of mutation will generally lead to one more kind of mutation, that is a frame shift mutation. ओवरऑल डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर करते समय एग्जैक्टली जैसे पहले जीन का सीक्वेंस था ऐसा जीन सीक्वेंस नहीं आ पाएगा. दैट लीड टू द चेंज इन द जीन सीक्वेंस. इवन आफ्टर जॉइनिंग ऑफ दिस टू डीएनए द जीन बिकम इंटैक्ट, बट द जीन इज नॉट लाइक अ प्रीवियस वन. अब जो जीन है ये जीन इंटैक्ट है, लेकिन अर्लियर जीन जैसा इसका सीक्वेंस नहीं है. कुछ सीक्वेंस चेंज हो चुका है ड्यू टू द NHEJ mechanism. Now the gene will be expressed or may not be expressed, but even after expression it will not produce the active form of protein, active form of product. Now the gene is inactive type of gene. So this is the simplest principle on the basis of which all these techniques which are utilizing a specific nucleus for gene knockout, it is working. वॉट काइंड ऑफ न्यूक्लियस, अब इस टेक्निक में मेजर जो चीज है न्यूक्लियस जीन स्पेसिफिक होना चाहिए. अलग अलग टाइप्स के न्यूक्लियस अब तक आइसोलेट किए गए हैं जो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर वहां पर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो वॉट काइंड ऑफ न्यूक्लियस विच कैन बी यूटिलाइज, द फर्स्ट विल डिस्कस दैट इज अ जिंक फिंगर न्यूक्लियस, सेम प्रिंसिपल पर काम करता है. सेकेंड विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, दैट इज टैलेन सिस्टम. वन इज ZFN सिस्टम, अनदर इज अ टैलेन सिस्टम विच वी आर इनिशियली यूटिलाइज्ड. बट हम डिस्कस करेंगे इसी प्रिंसिपल पर काम करने वाला जो एडवांस्ड मैकेनिज्म है, दैट इज अ क्रिस्पर कैस सिस्टम. एज कंपेयर टू ZFN एंड टैलेन, क्रिस्पर कैस सिस्टम इज मोर स्पेसिफिक, मोर इफिशियंट एंड फास्ट प्रोसेस ऑफ जीन एडिटिंग और नॉकआउट जीन ऑप्टेनिंग प्रोसेस. सो नॉकआउट ऑप्टेन करने के लिए मोस्ट इफिशियंट जो सिस्टम इन तीनों में पाए जाते हैं यूज किए जाते हैं जनरली, दैट इज अ क्रिस्पर कैस सिस्टम. जस्ट वी इंट्रोड्यूस व्हाट इज ZFN एंड टैलेंस, बट वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन क्रिस्पर कैस सिस्टम बिकॉज नाउडेज इट इज मोस्ट यूटिलाइज्ड. फर्स्टली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 बाय जेनिफर डुंडा, बट नाउडेज इट इज मोस्ट इफिशियंट सिस्टम विच इज यूटिलाइज फॉर जीन एडिटिंग. CRISPR Cas system आज तक humans पर भी apply की जा चुकी है. So that's why we'll go in the details of this most advanced gene editing technique. Before that we'll just introduce what is ZFN. Zinc finger nucleus का use कर आप gene editing कर सकते हो. So this is a zinc finger nucleus is a special kind of nucleus. Zinc finger nucleus के पास डीएनए वाइंडिंग डोमेन होता है या मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं. दे स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर कोडॉन या पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को पर्टिकुलरली रिकॉग्नाइज करेंगे. इसके पास FOK टाइप ऑफ न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच आर हैविंग स्टिकी एंड्स. सो जिंक फिंगर न्यूक्लियस हैज डीएनए बाइंडिंग डोमेन विच स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर कोडॉन ऑन द डीएनए
और उस कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ दे वर्क, कंसिडर दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया हुआ है। जिंक फिंगर न्यूक्लियस स्पेसिफिक टू अ डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट वी शुड हैव, हमारे पास ऐसा जेड एफ एन होना चाहिए जो पर्टिकुलर जीन को रिकॉग्नाइज कर पाए। फर्स्टली जेड एफ एन रिकॉग्नाइजेस दैट जीन विद द हेल्प ऑफ डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स, मेनली इट रिकॉग्नाइजेस द कोडॉन्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए एंड रिक्रूट द न्यूक्लियस एट पर्टिकुलर जीन, उसकी जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है उस जीन पर एक्ट करना स्टार्ट करती है। सो स्पेसिफिसिटी इज बेस्ड इज प्रेजेंट विद इन अ प्रोटीन इटसेल्फ, स्पेसिफिसिटी प्रोटीन में ही है लेकिन डीएनए बाइंडिंग डोमेन में है। Once it recognizes a particular sequence in a gene of interest, it will give a double-stranded cut having staggered or sticky ends. ऐसे staggered end वाला DNA, double-stranded break वाला DNA बन जाएगा after activity of a zinc finger nucleus. अब double-stranded break जब भी eukaryotic cells में बनता है, इसे repair करने के लिए जो most efficient system होती है, it is mainly a non-homologous end joining mechanism. और इससे जब भी repair होगा, mutations are introduced by either deletion, insertion or substitution, and that lead to the synthesis of again that same gene but which is mutant copy of that gene. NH is a mechanism से जब भी repair होगा, तो वही gene mutant gene के form में convert होगा. So this is one of the more efficient mechanism. But आपको इसी जीन को इनएक्टिव कर कोई जीन है, यहाँ पर जो जीन था इसको इनएक्टिव करने के लिए आपने डबल स्ट्रैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस किया। अब इस जीन को इनएक्टिव करने के बाद आप दूसरा जीन उसी साइट पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो जिसका प्रमोटर वीक है, जिसका प्रमोटर स्ट्रांग हो सकता है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट नॉक डाउन एंड नॉकअप, या आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो नॉवेल जीन का। इसके लिए आप होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर स्टार्ट कर सकते हो। So just provide another DNA having gene of interest, यहाँ पे जो जीन बी है इसके साथ होमोलॉजी आर्म्स होने जरूरी है फॉर दैट जीन इन विच ब्रेक इज इंट्रोड्यूस्ड। जो ब्रोकन एंड्स है इनके लिए होमोलॉजी सिक्वेंस उस जीन में होना जरूरी है। नाउ the homologous recombination based repair occur and that lead to the formation of gene knockdown, knockup or novel gene integration. So आप अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर obtain कर सकते हो। So by using a zinc finger nuclease you can carry out gene knockout, knockup, it means strong promoter पर strong promoter के अंदर जीन रखकर आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से जीन बी जिस साइट पर ब्रेक इंट्रोड्यूस हुआ था उस साइट पर अब नया जीन यहाँ पर इंटीग्रेट हो सकता है, दैट इज जीन बी विच इज केप्ट अंडर अ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, दिस इज कॉल्ड एज नॉकअप। या आप जो भी प्रमोटर यूज कर रहे हो वीक प्रमोटर के अंडर, जो नेचुरल प्रमोटर था उससे वीक प्रमोटर के अंडर आप जीन बी को रखकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉकडाउन। ओके, या नॉक इन भी कर सकते हो आप। नॉक इन मीन्स नॉवेल जीन इंट्रोड्यूस करना, जिस जीन को आप जीन दिस इज द जीन ए, जीन ए को रिप्लेस कर आप नया जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो। कंसिडर देयर इज अ जीन ऑफ ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन जीएफपी का जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, दो होमोलॉजी आर्म्स के इन बिटवीन जो जीन बी हमने रखा था उसकी जगह पर जीएफपी रखो, जहां पर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हुआ है उसके क्लीवेज एंड्स के लिए होमोलॉजी आर्म्स होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैरी आउट कर जीएफपी को इस जगह पर जोड़ने का काम करेंगे और फाइनली जीएफपी कंटेनिंग ट्रांसजेनिक सेल या जीनोम बनेगा या ऑर्गेनिज्म बनेगा। दिस इज वन ऑफ द सिस्टम, बट इट्स दिस सिस्टम हैज लेस एफिशिएंसी क्योंकि हर एक जीन के लिए स्पेसिफिक टाइप का जीन फिंगर न्यूक्लियस ऑब्टेन करना मोर प्रॉब्लमेटिक है। सेकेंड थिंग, जीन फिंगर न्यूक्लियस दे आर लेस और दे आर स्लो
they are comparatively not fast acting. So that's why this system is not utilized in more amount. Talent system, which work on the base on the same principle. Why principle per talent system bhi kaam karte hain? Talent stands for transcription activator like effect or nucleus. It means जैसे हमने डिस्कस किया था ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो होते हैं या एक्टिवेट रिप्रेसर जो होते हैं उनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है. उसी तरह जो यहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम है इस एंजाइम के पास एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा. दिस डीएनए बाइंडिंग डोमेन रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर डीएनए सिक्वेंस. कोई डीएनए सीक्वेंस जिस जीन को आपको एडिट करना है नॉकआउट करना है उस जीन का सीक्वेंस डीएनए बाइंडिंग डोमेन रिकॉग्नाइज करेगा. इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी वाले भी डोमेन्स होते हैं. ओके सो इन टैलेंट इट इज अ ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर लाइक न्यूक्लियस. ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर जिसके पास हमने डिस्कस किया था डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन होता है. यहाँ पे ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन की जगह nucleus containing domain present. Okay, how it works? Simply, जिस जीन को आपको नॉकआउट करना है या नॉकडाउन करना है नॉकअप करना है consider this is the gene A. इस जीन को आपको नॉक अप करना है या नॉक इन करना है या नॉकडाउन करना है. इसके लिए आपके पास टैलेंट एंजाइम जो जीन ए को रिकॉग्नाइज कर सके ऐसा एंजाइम आपके पास होना चाहिए. इट रिकॉग्नाइजेस द जीन ए एंड इंट्रोड्यूस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक. यहां पर जीन ए को एक क्लीव करेगा एंड बोथ स्टैंड्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक. अब डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को रिपेयर करने के लिए एक तो एनएचईजे मैकेनिज्म काम कर सकता है दैट लीड टू द रीजॉइनिंग ऑफ दिस टू strand or these two fragment with each other but not in a initial or previous manner. Kuch changes isme introduce ho sakte hain and these changes will make the gene inactive. So this is the inactive gene. Ab inactive gene jis cells mein hai jis organism mein hai uske physiological functions biochemical functions morphological functions aap observe karo aur क्या चेंजेस वाइल्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में इसमें दिखाई दे रहे हैं इसके बेसिस पर आप जीन ए का फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. अनदर वेज बाय होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर जिसमें आपको एक्स्ट्रा डीएनए प्रोवाइड करना है जिसके पास होमोलॉजी आर्म्स हो. किस डीएनए के लिए होमोलॉजी आर्म्स? क्लीवेज एंड्स पर जो भी डीएनए सिक्वेंस है इसके लिए होमोलॉगस सिक्वेंस यहाँ पर होना जरूरी है और आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर रखना चाहिए. जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी जीन ए अंडर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वही जीन हो सकता है. जीन ए ही है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के अंडर है. जीन ए ही है लेकिन वीक प्रमोटर के अंडर है. नॉकअप नॉकडाउन करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग या वीक प्रमोटर्स यूज कर सकते हो या आपको कंप्लीटली नया जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है. डिजायर्ड जीन आपको इंट्रोड्यूस करना है जैसे ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन का जीन. ओके कुछ रेगुलेटरी प्रमोटर के अंडर यहाँ पर जीन रखो और होमोलॉजी आर्म्स के आर्म्स इसके दोनों साइड्स में फ्लैंकिंग रीजन में प्रेजेंट होना चाहिए. नाउ देयर इज अ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन. होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होने के बाद फाइनली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अगेन अ इंटैक्ट डीएनए बट दिस डीएनए is not having a intact A gene क्योंकि intact A gene के बीच में एक नया जीन यहाँ पर आकर इंसर्ट हो चुका है जिसके पास इसका खुद का प्रमोटर है ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन. ओके सो दिस इज अ होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर. अब होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर का यूज कर कर आप नॉकअप नॉकडाउन या नॉकिंग कर सकते हो. दैट ऑल्सो लीड टू द नॉक आउट. ओके सो इन दो अलग अलग एंजाइम्स का यूज कर आप जीन नॉकआउट कर सकते हो पर्टिकुलर जीन. बट इन दोनों के बारे में सेम प्रॉब्लम है. दे आर नॉट सो इफिशियंट दे आर नॉट सो स्पेसिफिक दे आर नॉट सो फास्ट. इसके कंपेयर में
जो आजकल मोस्ट इफिशियंट जीन एडिटिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, दैट इज क्रिस्पर कैस नाइन बेस्ड जीन एडिटिंग। सो लेट्स मूव टू द मोस्ट इफिशियंट जीन एडिटिंग टेक्निक, दैट इज क्रिस्पर कैस नाइन बेस्ड टेक्निक, क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम। एज कंपेयर टू टैलेंस और अदर जीन एडिटिंग टेक्निक, इट इज हैविंग हाई एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है। Even single nucleotide can be changed from a particular gene from a particular location. Efficiency ज़्यादा है and it will have a more coverage. Coverage means most of the genes को edit करने के लिए CRISPR-Cas9 system का use किया जा सकता है, unlike TALENs and ZFN. This system differs from TALENs and ZFN in a important way is that ZFN system थी और TALEN system थे, दोनों में किस जीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है करने का और किया जाएगा ये डिसाइड कर रहा था प्रोटीन। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन? दैट न्यूक्लियस प्रोटीन इटसेल्फ। बट क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम में कैस नाइन न्यूक्लियस है लेकिन खुद के पास स्पेसिफिसिटी नहीं होती है कहां पर जाकर कट करना है इसके लिए। नाउ द क्वेश्चन आर देन हु विल डिसाइड द स्पेसिफिसिटी, वेयर डज द कैस नाइन विल एक्ट, कैस नाइन किस जीन पर काम करेगा, ये डिसाइड करने के लिए स्मॉल क्रिस्पर आरएनए होता है जो गाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ गाइड आरएनए। ओके, वी विल कम बैक टू द डिटेल्स ऑफ क्रिस्पर कैस नाइन, बट रिमेंबर क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम इज यूटिलाइज्ड फॉर जीन नॉकआउट, जीन नॉकआउट के लिए यूज की जा सकती है। इट इज यूटिलाइज्ड फॉर जीन नॉक इन, न्यू जीन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। It is utilized for gene knockup as well as it is utilized for knockdown. Okay, it can be also utilized for regulating the gene expression. CRISPR-Cas system ka use kar gene expression ko aap activator repressor ka use kar regulate bhi kar sakte ho to find out the effect of activation and repression. Gene expression का regulation study भी किया जा सकता है। It is a two component based gene editing technique. We'll come back to the requirements. CRISPR-Cas9 system. It is two component based gene editing technique. टू कंपोनेंट बेस्ड जीन एडिटिंग टेक्निक मीन्स जीन एडिट करने के लिए यहाँ पर दो मेजर कंपोनेंट की जरूरत होती है। विल कम बैक टू दिस टू कंपोनेंट, दैट इज अ स्मॉल गाइड आरएनए एंड कैस नाइन लाइक न्यूक्लियस। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और स्मॉल गाइड आरएनए, न्यूक्लियस का काम क्लीवेज करना और स्मॉल गाइड आरएनए का काम डायरेक्शनलिटी और स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करना। सो विल कम बैक टू दिस कंपोनेंट्स, बट बिफोर दैट CRISPR-Cas9 system is based on the natural CRISPR activity. So before moving to how CRISPR-Cas9 system work, this system ko study karne se pehle just will revise how, what are these CRISPR and how the CRISPRs they work in the cell and where does they occur. Already humne CRISPR ke baare mein molecular biology mein discuss kiya tha. CRISPRs are special type of DNA sequences present in bacteria. Are in their genome. Most of the eubacteria or most of the archaebacteria के genome में कुछ DNA sequences होते हैं जिसे CRISPR कहा जाता है, on the basis of its structure, on the basis of its organization. CRISPR stands for cluster of regularly interspaced palindromic repeats. It is a clustered regularly interspaced palindromic repeat. It is a full form of a CRISPR and such type of sequences are present in bacterial genome. That may be a eubacteria or that may be a आर्किबैक्टीरिया। पर्पस होता है, नेचुरल पर्पस जो है, व्हाई क्रिस्पर्स दे आकर इन द
bacterial genome. Just it is an acquired immune response against invading DNA. जो invading DNA है इसके against acquired immune response है. अब invading DNA bacteria में कौन हो सकते हैं? Plasmids हो सकते हैं, viruses हो सकते हैं. So virus के against bacteria fight करने के लिए CRISPR DNA sequences का use करता है. Mainly by using CRISPR, bacteria recognize the viral genome or viral RNA and cleave them to avoid their infection. This is a natural purpose. हमने already discuss किया है CRISPR sequence के basis पर और associated Cas9 protein के basis पर. CRISPR तीन अलग अलग type के category में रखे जाते हैं. Mainly type 1 CRISPR, जिसमें Cas1, Cas2 proteins तो है, हर एक type में Cas1, Cas2 present होते हैं, लेकिन इसमें uniquely Cas3 type का protein होता है. Type 1 CRISPR के बाद Type 2 CRISPR में Cas1, Cas2 दोनों protein available है. It is conserved protein. बट इसके साथ एक न्यूक्लियस एसोसिएटेड होता है जिसे यूनिकली Cas2 के साथ ही होगा, दैट इज Cas9. और थर्ड टाइप का जो क्रिस्पर होता है Type 3 CRISPR, जिसमें Cas1 Cas2 तो प्रेजेंट है लेकिन यूनिकली Cas10 प्रेजेंट है. इट मीन्स आपको क्रिस्पर क्यों डिस्टिंग्विश करना है, दैट इज Type 1, Type 2, Type 3 को, तो आपको Cas3, Cas9 एंड Cas10 को फाइंड आउट करना पड़ेगा. CRISPR के साथ Cas3 है, इसका मतलब CRISPR type 1 वाला है. CRISPR के साथ Cas9 जीन एसोसिएटेड है या Cas9 का प्रोटीन बन रहा है उस सेल में, तो ये type 2 type का CRISPR है. Type 3 के लिए यूनिकली Cas10 टाइप का जीन इसके साथ एसोसिएट होता है. अब इन तीन सिस्टम में से मेनली type 2 CRISPR सिस्टम जो है इट इज मोस्टली यूटिलाइज फॉर जीन एडिटिंग, क्योंकि इसमें जो फाइनल क्रिस्पर कैस कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल प्रोटीन. ओके, जो फाइनली रिस्क कॉम्प्लेक्स जो बनेगा लाइक आरएनए इंटरफेरेंस, जो फाइनली क्लीवेज करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनता है आरएनए के साथ, एक ही प्रोटीन एसोसिएट होता है, दैट इज अ Cas9 प्रोटीन. सो सिंगल प्रोटीन प्लस क्रिस्पर आरएनए प्लस ट्रेसर आरएनए, इनका कॉम्प्लेक्स जिसे कैस्केड कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, जो स्पेसिफिकली टारगेट को रिकॉग्नाइज करकर क्लीव करता है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे, दिस इज द सिंपलेस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली यूटिलाइज्ड. ओके, सो हाउ टाइप 2 क्रिस्पर्स दे वर्क विद इन अ बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया में टाइप 2 क्रिस्पर्स कैसे काम करते हैं हम पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस एक्टिविटी का यूज करकर यूकैरियोटिक जीन्स को कैसे एडिट किया जा सकता है डिस्कस करेंगे. सो हाउ डज टाइप 2 क्रिस्पर्स दे वर्क इन बैक्टीरिया. टाइप 2 क्रिस्पर के सीक्वेंसेस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. टाइप 2 क्रिस्पर में मेनली Cas9 का जीन होता है, Cas1 Cas2 भी होते हैं और क्रिस्पर सीक्वेंसेस होते हैं. CRISPR is a DNA sequence, but directly DNA sequence virus के against या plasmid के against काम नहीं करेगा. काम करने के लिए CRISPR sequence या CRISPR locus का expression होना जरूरी होता है. Whenever there is a CRISPR locus, consider this is the CRISPR locus. Just for understanding, already we discussed about the CRISPR sequence. There is a leader sequence which work like a promoter, or promoter के बाद कोई palindromic sequences होते हैं. In between them there is a spacer. These are the palindromic sequences. Okay, and in between them these are the spacers. जो यहाँ पर जो sequence present है, जो spacers होते हैं, unique होते हैं. Expression के बाद एक RNA बनेगा जिसका नाम है pre-CRISPR RNA, जिसमें palindromic sequence भी है और spacer भी present होता है. Palindromic sequence mainly they acquire hairpin loop type of structures because of intra-strand complementarity. Due to intra-strand complementarity, palindromic sequences they acquire this type of structure.
एंड दो हेयरबिन लूप्स में जो भी डीएनए सॉरी आरएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ये स्पेसर डीएनए से एनकोड किया गया होगा। इट मीन्स यू नॉट अंडरस्टैंड वी कैन चेंज द कलर हेयर, दिस इज द स्पेसर डीएनए एनकोडेड आरएनए एंड द रेड पार्ट इज पैलिंड्रोमिक रिपीट विच इज यूनिक। हर एक स्पेसर के साथ सेम टाइप ऑफ पैलिंड्रोमिक रिपीट एसोसिएटेड होता है। इट इज नॉट अ फाइनल फंक्शनल क्रिस्पर आरएनए, क्रिस्पर आरएनए को फंक्शनल करने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है और फाइनली आपके पास ये स्मॉल क्रिस्पर आरएनए के साथ पैलिंड्रोमिक रिपीट का कुछ पार्ट यहाँ पर एसोसिएटेड होता है। सो जितने अलग अलग स्पेसर्स हैं उतने अलग अलग फाइनल क्रिस्पर आरएनए बनेंगे। स्पेसर दे में बी ऑब्टेन फ्रॉम द वायरसेस, दे में बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लाज्मिड्स। ओके, यहाँ पर जो बना हुआ आरएनए है इसे कहा जाएगा क्रिस्पर आरएनए। बट क्रिस्पर आरएनए कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कैस9 प्रोटीन। यहाँ पे कोई कैस9 का जीन हो तो कैस9 का एमआरएनए बनेगा और उससे कैस9 प्रोटीन भी बनेगा। ओके, बट डायरेक्टली कैस9 से क्रिस्पर आरएनए बाइंड नहीं होता है। देर इज वन मोर आरएनए व्हिच इज एनकोडेड फ्रॉम अनदर आरएनए दैट इज अ टी ट्रेसर आरएनए। ट्रेसर आरएनए का ये जीन है, इसका एक्सप्रेशन होकर ट्रेसर आरएनए बनेगा और ट्रेसर आरएनए इट इज हैविंग एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक ए हेयर पिन लूप लाइक वो स्ट्रक्चर एंड इट हैज टू मेजर कंपोनेंट्स। ट्रेसर आरएनए के पास एक पार्ट होता है जो एक्चुअली इस पैलिंड्रोमिक रिपीट से एनकोड किए गए जो क्रिस्पर आरएनए के पार्ट इससे कॉम्प्लीमेंट्री होता है और बाकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना हुआ जो पार्ट है इट इज हैविंग और इट कैन वर्क लाइक अ स्कैफोल्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ कैस9। कैस9 के एसोसिएशन के लिए स्कैफोल्ड का काम करेगा। जब भी ट्रेसर आरएनए बनेगा ट्रेसर आरएनए और क्रिस्पर आरएनए एक दूसरे से एसोसिएट होंगे बाय बेस पेयरिंग। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द पैलिंड्रोमिक रिपीट एनकोडेड पार्ट और इसके साथ अब ये ट्रेसर आरएनए आकर कॉम्प्लीमेंट्रीली बाइंड हो रहा है। बट दिस ट्रेसर आरएनए हैज सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच कैन वर्क लाइक अ स्कैफोल्ड फॉर कैस9। अब कैस9 प्रोटीन इस ट्रेसर आरएनए क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स के साथ आकर बाइंड होगा एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैस्केड कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ कैस्केड कॉम्प्लेक्स विच इज लाइक अ रिस्क कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। जो आरएनए इंटरफेरेंस के दौरान रिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कैस्केड कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस कैस्केड कॉम्प्लेक्स हैज आरएनए व्हिच इज क्रिस्पर आरएनए व्हिच वर्क लाइक अ गाइड आरएनए। अब ये क्रिस्पर आरएनए से एनकोड हुआ जो गाइड आरएनए है ये डिसाइड करता है द स्पेसिफिसिटी किस डीएनए सीक्वेंस के साथ जाकर इंटरैक्ट करना है डिसाइड करेगा गाइड आरएनए। बट ओनली टारगेट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर क्लीव करने के लिए और एक चीज टारगेट सीक्वेंस में होना जरूरी होती है। हम डिस्कस करेंगे कैस9 प्रोटीन उसी टारगेट डीएनए को क्लीव करता है जिसमें रिक्वायर्ड पैम सीक्वेंस प्रेजेंट हो। पैम विल डिस्कस इट इज अराउंड 2 to 6 बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट इन द टारगेट विच इज कॉल्ड एज प्रोटो स्पेसर एडजेसेंट मोटिफ सीक्वेंस। जनरली टारगेट सीक्वेंस के 2 to 4 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है और जिस टारगेट सीक्वेंस के साथ पैम एसोसिएटेड है उसी पर कैस9 प्रोटीन क्लीवेज कर सकता है। नाउ वंस दिस कैस9 कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड कंसीडर दिस इज द टारगेट डीएनए। अब ये टारगेट डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस टारगेट डीएनए के
पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए गाइड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टारगेट डीएनए को फर्स्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पैम। दिस कैस रिकॉग्नाइजेस द पैम, यहाँ पर कहाँ पर कोई पैम सीक्वेंस प्रेजेंट है। फर्स्टली रिकॉग्नाइजेस टेम्पररली ट्रांजिएंटली रिकॉग्नाइज करेगा पैम सीक्वेंस को, बट वेदर टू कैरी आउट द क्लीवेज और नॉट एट दिस साइट दैट डिपेंड ऑन द कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द जी आर एन ए एंड पैम, सॉरी जी आर एन ए एंड टारगेट। अब यहाँ पर इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनजिप करेगा और जो गाइड आरएनए है एक स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंटरली एसोसिएट होना स्टार्ट होगा। दिस इज द गाइड आरएनए और इसके साथ ये कोई ट्रेसर आरएनए था। ओके, और यहां पर कोई पैम सीक्वेंस भी प्रेजेंट है। जैसे फर्स्ट जो कैस9 प्रोटीन आइसोलेट किया गया था स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजन या बैक्टीरिया से किया गया था, उसके लिए जो पैम सीक्वेंस लगता है एनजीजी इज द पैम सीक्वेंस। ओनली गाइड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्रीली इस कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी डीएनए के साथ रिकॉग्नाइज करना काफी नहीं होता है क्लीवेज करने के लिए। टारगेट डीएनए का क्लीवेज करने के लिए पहले तो ये गाइड आरएनए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री आकर बाइंड होना जरूरी है, लेकिन गाइड आरएनए के साथ ही टारगेट डीएनए में पैम सीक्वेंस होना भी जरूरी होता है। उसी टारगेट डीएनए को क्लीव किया जाएगा जिस टारगेट डीएनए में पैम सीक्वेंस है। इस गाइड आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो बैक्टीरिया के जीनोम में स्पेसर होता है वहां पर भी है, क्योंकि जो गाइड आरएनए का सीक्वेंस आया है कहां से आया है, स्पेसर से जो क्रिस्पर में प्रेजेंट है। लेकिन स्पेसर क्यों क्लियो नहीं होते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पेसर एंड टारगेट डीएनए, क्योंकि स्पेसर को भी ये गाइड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री है और टारगेट डीएनए को भी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब टारगेट है या स्पेसर है इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि स्पेसर तो एक्वायर किया गया है, स्पेसर शुड नॉट बी क्लीव। ओके, सो स्पेसर क्लीव नहीं होना चाहिए लेकिन टारगेट डीएनए को क्लीव करना चाहिए। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए इवोल्यूशनरीली कैस9 प्रोटीन जो होते हैं तभी एक्ट कर सकते हैं जबकि टारगेट डीएनए में पैम सीक्वेंस हो जो कि स्पेसर में नहीं होता है। सो व्हाई डज कैस9 डू नॉट एक्ट बैक ऑन द स्पेसर, स्पेसर को क्लीव नहीं क्यों करता है, क्योंकि कैस9 को काम करने के लिए क्लीवेज करने के लिए पैम सीक्वेंस जिसे कहा जाता है प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। ओके, सो वंस दिस रिकॉग्निशन आकर नाउ विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट न्यूक्लियस एक्टिविटीज, इसके पास दो अलग अलग न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। जैसे एक एचएनएच टाइप ऑफ न्यूक्लियस डोमेन होता है और दूसरा एक न्यूक्लियस आरयूवीसी डोमेन, जो आरयूवीसी न्यूक्लियस में डोमेन होता है और एक डोमेन इसमें प्रेजेंट है। नाउ इट विल गिव अ कट इन बोथ दिस स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड में क्लीवेज होगा एंड दैट क्लीवेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक व्हिच इज हैविंग अ ब्लंट एंड। अब यहां पर जिस साइट पर इसने रिकॉग्नाइज किया था उसी साइट पर ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक करेगा। ओके, एंड दैट ब्रेक इज ब्लंट एंडेड ब्रेक। दिस इज वन मोर प्रॉब्लमेटिक थिंग टू यूज अ कैस9 इन अ जीन एडिटिंग दैट वी विल डिस्कस। सो दिस इज द जनरलाइज्ड मैकेनिज्म अबाउट द क्रिस्पर कैस9 विद इन अ बैक्टीरिया। और ये टारगेट जी डीएनए जो है, दिस टारगेट डीएनए में भी बैक्टीरियोफाज जीनोम। अब फास का जीनोम डिग्रेड हो गया तो फास कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं कर पाएगा और वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया को। सो बैक्टीरिया जिस वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी फाइट कर कर सर्वाइव हो चुके हैं, उस बैक्टीरियोफाज के लिए या वायरस के लिए बैक्टीरिया अपने पास स्पेसर रखेंगे और क्रिस्पर सिस्टम का यूज कर कर उनके अगेंस्ट एंटीवायरल डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द नेचुरल सिस्टम प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, बट हाउ दिस सिस्टम इज यूटिलाइज्ड, हम कैसे
क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम का यूज कर यूकैरियोटिक जीनोम या जीन्स को एडिट कर सकते हैं। इवन वी कैन एडिट द ह्यूमन जीन्स, यू कैन कैरी आउट नॉकआउट, नॉक इन, नॉकअप, नॉक डाउन। और क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप इसका यूज कर सकते हो जस्ट बाय प्रोवाइडिंग टू कंपोनेंट्स विद इन टारगेट सेल। आप क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम का जीन एडिटिंग के लिए यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज द स्मॉल गाइड आरएनए दैट वी हैव टू डिजाइन। नॉर्मली कैस9 से एसोसिएट होने के लिए क्रिस्पर आरएनए लगता है और एक ट्रेसर आरएनए लगता है। ट्रेसर आरएनए दूसरी जीन से एनकोड होगा और क्रिस्पर आरएनए क्रिस्पर सीक्वेंस से एनकोड होगा। क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए के बीच कॉम्प्लीमेंट्री और बेस पेयरिंग के बेसिस पर एसोसिएशन होता है एंड उसके बाद यहाँ पर कैस9 प्रोटीन आकर बाइंड होता है। ओके, सो क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए दोनों मिलकर कैस9 से एसोसिएट होते हैं। ओनली क्रिस्पर आरएनए कैन नॉट एसोसिएट, स्पेसिफिसिटी डिपेंड ऑन क्रिस्पर आरएनए। किस जीन को एडिट करना है डिपेंड है क्रिस्पर आरएनए पर, लेकिन ट्रेसर आरएनए का काम एज अ स्कैफोल्ड काम करता है फॉर कैस9, क्योंकि क्रिस्पर आरएनए डायरेक्टली कैस9 के साथ एसोसिएट नहीं होगा बट ट्रेसर आरएनए से इंटरेक्ट कर कर ये कैस9 से एसोसिएट होता है। तो नेचुरली आप दो दो कंपोनेंट प्रोवाइड करने के बजाय आप एक काम कर सकते हो, जिस जीन को टारगेट स्पेसिफिक क्रिस्पर आरएनए सीक्वेंस आप बना सकते हो, यू कैन ऑब्टेन द डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज स्पेसिफिक टू टारगेट। क्रिस्पर आरएनए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आप ऑब्टेन कर सकते हो और उसी के साथ ट्रेसर आरएनए का जीन आप फ्यूज कर सकते हो। जो फाइनली क्रिस्पर आरएनए जो टारगेट स्पेसिफिक है और स्पेसर सॉरी ट्रेसर आरएनए, इन दोनों को फ्यूज कर कर जो फाइनल जीन आपके पास आ रहा है, दिस इज अ फ्यूजन जीन व्हिच इज कॉल्ड एज स्मॉल गाइड आरएनए। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इस ट्रेसर आरएनए का काम है इट वर्क लाइक अ स्कैफोल्ड फॉर कैस9 एंड ट्रेसर आरएनए सॉरी क्रिस्पर आरएनए का काम टू प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी, कहां पर क्लीवेज करना है ये प्रोवाइड करता है या डिसाइड करता है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसका जीन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद क्रिस्पर कैस9 सिस्टम का यूज करने के लिए आपके पास कैस न्यूक्लियस भी होना जरूरी है। कैस9 न्यूक्लियस हर एक बैक्टीरिया में टाइप 2 क्रिस्पर हो उसके साथ डिफरेंट टाइप कैस9 प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं। जैसे क्रिस्पर कैस9 सिस्टम जो स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेन में फर्स्टली कैस9 का आइसोलेट किया गया था, उसके साथ जो कैस9 है ये पर्टिकुलर पैम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने वाला है। कैस9 इट इज अ एंडोन्यूक्लियस हैविंग टू डोमेन्स। इसके पास दो डोमेन होते हैं, एक एचएनएस टाइप ऑफ डोमेन होता है या आरईबीसी टाइप ऑफ न्यूक्लियस डोमेन होते हैं। वेयर टू कट द डीएनए इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द कैस9 इटसेल्फ। कैस9 कहां पर डीएनए को कट करेगा ये डिसाइड करता है गाइड आरएनए। सो कैस9 विल नॉट एक्ट टिल इट इज एसोसिएटेड विद द स्मॉल जी आरएनए। इट एसोसिएट विद द जी आरएनए वाया ट्रेसर आरएनए टू फॉर्म कैस्केड कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां पर अभी हमने डिस्कस किया एक ट्रेसर आरएनए और क्रिस्पर आरएनए, इसको एसोसिएट होकर कैस9 कैस्केड कॉम्प्लेक्स बनता है। कैस9 प्रोटीन्स दे आर बेसिकली रिक्वायरिंग अ पैम सीक्वेंस इन द टारगेट टू कैरी आउट इट्स देयर रोल। किस डीएनए को कट करेंगे? फर्स्टली जिस डीएनए के साथ गाइड आरएनए जाकर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होगा, लेकिन ओनली बाइंडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ उस टारगेट डीएनए में पैम सीक्वेंस भी होना जरूरी है। ओके, जैसे कैस9 प्रोटीन जो फर्स्टली आइसोलेट किया गया था उसके लिए पैम सीक्वेंस होता है एनजीजी, लेकिन हर एक कैस9 के लिए सेम पैम सीक्वेंस हो जरूरी नहीं है। ओके, सो स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजेन से ऑप्टेन किया गया जो कैस9 था उसके लिए पैम सीक्वेंस एनजीजी लगता है
या अदर स्ट्रेप्टोकोकस आरियस से ऑप्टेन किया गया कैस नाइन था, उसके साथ ये एनजी आर आर टी भी पैम सीक्वेंस लगता है। सो पैम इज व्हाट? इट इज अराउंड 226 बेस पेयर सीक्वेंस रिक्वायर्ड टू क्लीव द टारगेट डीएनए। वेयर डज द पैम सीक्वेंस प्रेजेंट? अकर ऑन डाउन स्ट्रीम ऑफ क्लीवेज साइट, जहां पर क्लीवेज होने वाला है उसके डाउन स्ट्रीम में, और अराउंड 2 to 4 बेस पेयर होता है। विदाउट पैम क्लीवेज कैनॉट आकर, इवन द रिकॉग्निशन कैन आकर, बट पैम नहीं है तो क्लीवेज नहीं होगा। हर एक न्यूक्लियस के लिए अलग अलग पैम्स है। अब आपके जीन में किस टाइप का पैम सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस बेसिस पर आपको कैस नाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन का यूज करेंगे या आरएस का यूज करेंगे या कैंपेलोबैक्टर जेजुनी का यूज करेंगे, किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया आप कैस नाइन यूज करेंगे, डिपेंड है आपके टारगेट जीन में किस टाइप का पैम सीक्वेंस प्रेजेंट है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पैम सीक्वेंस प्रेजेंट इन द टारगेट जीन यू हैव टू डिसाइड द कैस नाइन। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। Now, how can we use this CRISPR-Cas9 system for gene editing? जैसे मुझे जीन ए एडिट करना है, स्पेसिफिकली जीनोम में जीन ए एडिट करना है, या तो मुझे जीन ए को कंप्लीटली इसका इनएक्टिवेशन करना है, या जीन ए की जगह पर मुझे कुछ मार्कर जीन को इंट्रोड्यूस करना है, या जीन ए का डाउन रेगुलेशन करना है या अप रेगुलेशन करना है, वॉट एवर में the type of change, but the method is same. अब जीन ए को एडिट करना है तो मुझे जीन ए स्पेसिफिक क्रिस्पर आरएनए चाहिए, सो आई शुड हैव अ क्रिस्पर आरएनए स्पेसिफिक टू जीन ए। सो व्हाट क्रिस्पर आरएनए स्पेसिफिक टू जीन ए और टारगेट, लेकिन ओनली क्रिस्पर आरएनए काम नहीं करेगा, उसके साथ ट्रेसर आरएनए को भी अटैच होना चाहिए। तो हमने क्या किया, जीन ए स्पेसिफिक क्रिस्पर आरएनए का जो डीएनए एनकोडिंग पार्ट होता है, इसको ट्रेसर आरएनए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस और जीन के साथ फ्यूज किया, और फाइनली हमने ऑब्टेन किया एक स्मॉल जीआरएनए। स्मॉल जीआरएनए कंसिस्ट ऑफ ट्रेसर आरएनए प्लस क्रिस्पर आरएनए स्पेसिफिक टू टारगेट। देन आई शुड हैव अ कैस नाइन स्पेसिफिक टू अ टारगेट जीन। स्पेसिफिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसी जीन को ये कट कर सकता जिसमें पैम हो। ओके, अब आपने ऐसा कैस नाइन लिया जिसमें जिसका पैम आपके पर्टिकुलर जीन में नहीं है, तो ये बाइंड होगा लेकिन क्लीवेज नहीं कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ कैस नाइन व्हिच इज हैविंग अ पैम सीक्वेंस विद इन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो हाउ कैन वी कैरी आउट द एडिटिंग? एडिटिंग कैसे की जा सकती है? फर्स्टली यू हैव टू ऑब्टेन द कैस नाइन जीन and CRISPR, sorry, small gRNA gene, and you have to keep them on a control or regulatory promoter on a plasmid vector. आपने Cas9 जीन यहाँ पर रखा है, और दूसरा Cas9 जीन, दूसरा प्रमोटर जो है इसकी, सॉरी दूसरा जो CRISPR या स्मॉल gRNA का जो जीन है यहाँ पर आपने रखा है। So you have designed the vector having two different type of genes. Okay, so this vector should be designed first. Now this vector should be transported in those cells in which we have to carry out the gene editing. आपके enter organism का gene editing करना है, तो आप इस vector को zygote में introduce करो. You have to introduce it into the zygote. या आप organism के embryonic stem cells को introduce, organism के embryonic stem cell में भी आप इसको introduce कर सकते हो. So this introduction of vector into the animal cell is called as transfection. Okay, so आपने कुछ animal cells में या zygote है या embryonic stem cells है, में आपने plasmid को introduce किया. So you can draw like this. Consider this is the animal cell having the genome. Okay, और जो भी CRISPR RNA है, क्रिस्पर सॉरी कैस नाइन का जो प्रोटीन है, इसके साथ न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल भी अटैच करना जरूरी होता है,
नाउ देर इज अ सिंथेसिस ऑफ कैसनाइन प्रोटीन। अब प्लाज्मिड को आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो कैसनाइन प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ से क्रिस्पर आरएनए और ट्रेसर आरएनए का एक कॉम्प्लेक्स बना, क्रिस्पर आरएनए प्लस टीआर आरएनए का एक फ्यूजन प्रोडक्ट यहाँ पर बना। नाउ दिस कैस कैसनाइन एंड स्मॉल जी आरएनए दे एसोसिएट टू फॉर्म अ क्रिस्पर कैस्केड कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। सो दिस इज द स्पेसर एंड दिस इज द जी आरएनए। नाउ कैस9 इज फॉर्मड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कैस9 जीआरएनए कॉम्प्लेक्स व्हिच इज समटाइम्स कॉल्ड एज कैस्केड कॉम्प्लेक्स व्हिच इज लाइक अ रिस्क कॉम्प्लेक्स इन यूकेरियोट्स। सो थर्ड स्टेप जो होती है, नेचुरली इन दोनों का प्रोडक्शन होने के बाद एक दूसरे से एसोसिएट होंगे, या अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, स्मॉल जीआरएनए को आप डायरेक्टली इंजेक्ट करो टारगेट सेल में, माइक्रो इंजेक्शन करो और कैस9 की एमआर में इंट्रोड्यूस करो, या डायरेक्टली कैस9 को इंजेक्ट करो। ओके सो तो आप डायरेक्टली प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर सकते हो या डायरेक्टली स्मॉल जी आरएनए को इंट्रोड्यूस कर एमआरएनए इंट्रोड्यूस कर सकते हो कैस9 का। समहाउ यू हैव ट्रांसफर्ड दिस कैस9 एंड एसजीआरएनए इनटू द टारगेट सेल इन व्हिच यू वांट टू कैरी आउट द एडिटिंग। ओके अब टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस करने के बाद यहां पर क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्स। सो यू कैन ड्रॉ इन दिस वे, दिस इज द कैस9 और ये क्रिस्पर आरएनए है स्पेसिफिक टू जीन ए, और ये कोई ट्रेसर आरएनए। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्स। Now this CRISPR-Cas9 complex enter into nucleus because this Cas9 has a nuclear localization signal। अब ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा और न्यूक्लियस में एंटर कर कर अब जो गाइड आरएनए इसके साथ एसोसिएटेड है, दिस गाइड आरएनए विल फाइंड आउट द टारगेट जीन, जीन ए को ये फाइंड आउट करेगा। सो स्पेसिफिसिटी इज डिसाइडेड बाय द गाइड आरएनए। स्पेसिफिकली ये जीन ए को जाकर इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेगा एज इट इज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पर जीन ए को रिकॉग्नाइज करने के बाद जीन ए अनजिप होगा और उसके साथ गाइड आरएनए और जीन ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जिसके लिए आपने गाइड आरएनए बनाया था, ये कॉम्प्लीमेंट्रीली एसोसिएट होना स्टार्ट होंगे। अब जो कैस9 प्रोटीन है यह तभी काम कर सकता है जबकि टारगेट जीन जो है, जीन है इसमें कैस9 के लिए क्या अवेलेबल होना चाहिए, 10। फर्स्टली गाइड आरएनए और टारगेट सीक्वेंस में कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएशन हुआ, उसके बाद पैम सीक्वेंस फाइंड आउट करना स्टार्ट हुआ। वंस पैम फाइंड इज अ प्रेजेंट, नाउ देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड कट। ओके सो दिस वाज जीने, जीने के साथ क्रिस्पर कैस9 का जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द गाइड आरएनए एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टारगेट स्ट्रैंड अलोंग विद द कैस9। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैम सीक्वेंस देयर इज अ सिंगल स्टैंडर्ड कट, सो डबल स्टैंडर्ड कट इन बोथ टारगेट स्ट्रैंड एंड नॉन टारगेट स्ट्रैंड। अब क्लीवेज के बाद जो क्रिस्पर कैस9 कॉम्प्लेक्स है यहाँ से हटेगा एंड दैट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन अ जीनोम, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज अ जीन ए, जीन ए में डबल स्टैंडर्ड कट लगेगा विच इज हैविंग ब्लंट एंड। अब डबल स्टैंडर्ड कट अलग अलग तरह से आप रिपेयर कर सकते हो, आपको सिर्फ नॉकडाउन करना है, सॉरी नॉकआउट करना है। सो इट मे बी रिपेयर विद द हेल्प ऑफ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। इफ यू वांट टू कैरी आउट ओनली द नॉक आउट, जस्ट अलाउ इट टू कैरी आउट द रिपेयर बाय एनएचईजे। जैसे यहाँ पर
डबल स्टैंड ब्रेक इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब यहाँ दूसरा रिपेयर मैकेनिज्म होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर भी कर सकते हो इफ यू वांट टू कैरी आउट द नॉक इन नॉकअप और नॉक डाउन। व्हाट काइंड ऑफ रिपेयर आकर दैट डिपेंड कि आप होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर करना चाहते हो तो आपको अलग से जीन ए की जगह पर आप कौन सा जीन आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उस जीन को तो जहां पर कंसिडर जीएफपी का जीन मुझे इंट्रोड्यूस करना है जीन ए की जगह पर मैंने कुछ होमोलोगस सीक्वेंसेस दिए होमोलोगस सीक्वेंस फॉर वन एंड ऑफ द क्लीव्ड ए और ब्रोकन एंड ऑफ द टारगेट जीन। यहाँ जो डीएनए सीक्वेंस है इसके लिए मैंने यहाँ पर कोई होमोलॉजी सीक्वेंस और आर्म रखा यहाँ पर जो सीक्वेंस है यहाँ पर रखा है होमोलॉजी आर्म ऑन राइट साइड इन बिटवीन दीज टू होमोलॉजी आर्म मैंने जीएफपी का जीन रखा है वो आरएफ रखे अंडर प्रमोटर यहाँ पर जो प्रमोटर है इसके लिए खुद का प्रमोटर। सो दिस कंस्ट्रक्ट इज रेडी टू कैरी आउट होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर फॉर जीन नॉक इन। नॉक अप करने के लिए आपने डिस्कस किया नॉकअप में आपने स्ट्रॉन्ग प्रमोटर लिया नेचुरल प्रमोटर से स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और जीन ए ही यहाँ पर रखा है। नॉकडाउन के लिए आपने वीक प्रमोटर लिया और जीन ए को ही यहाँ पर रखा है। ओके सो इफ यू डू नॉट प्रोवाइड दिस कंस्ट्रक्ट देन होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर डू नॉट अकर ओनली नॉन होमोलॉगस एंजॉइनिंग विल अकर। सो दिस इज द डीएनए व्हिच हैज अ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक नॉन होमोलॉगस एंजॉइनिंग होने के बाद एग्जैक्टली जो पहले जीन था वैसा जीन नहीं रहेगा कहाँ इंसर्शन शॉर्ट डिलीशन इंसर्शन डिसरप्ट्स द ओपन रीडिंग फ्रेम इसके कारण जो एमआरएनए बनेगा एमआरएनए में म्यूटेशन आएगा और म्यूटेशन की वजह से जो भी प्रोटीन इस एमआरएनए से बनेगा इट इज इनएक्टिव प्रोटीन। पर्पस था जीन ए से बनने वाला जो प्रोटीन है इसको इनएक्टिव करो या कंप्लीट जीन ए को एक्सप्रेशन ही स्टॉप करो दिस इज कॉल्ड एज नॉकआउट। बट आप होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर भी कर सकते हैं नॉट टू कैरी आउट होमोलॉजी डायरेक्ट रिपेयर यू हैव टू प्रोवाइड अनदर डीएनए और एक डीएनए आपको उसी सेल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच कैरी अ डिजायर्ड जीन। जैसे यहाँ पर आपने होमोलॉजी आर्म्स दीज आर दी होमोलॉजी आर्म्स and this is the gene of interest आपने रखा है। अब यहाँ पर homologous recombination based repair होगा। homologous recombination based repair में हमने last lecture में discuss किया था actually दो homology arms के in between जो DNA होता है replace होता है। okay so that lead to the introduction of this gene of interest in our place of gene A जीने की जगह पर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप इंट्रोड्यूस कर चुके हो। नाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट विल बी एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट एमआरएनए आपने जीएफपी का एमआरएनए बनाया और आप इस सेल में आप जीएफपी प्रोटीन बनना स्टार्ट होगा। सो क्रिस्पर कैसने सिस्टम में मेनली आपको दो ही कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करना है टारगेट सेल में। दिस इज वेरी इजी टेक्निक एज कंपेयर टू अदर। फर्स्ट स्मॉल जी आरएनए जो स्पेसिफिक टारगेट के लिए यूनिक हो क्रिस्पर आरएनए उससे बनना चाहिए जो एक्चुअली स्पेसिफिकली डिसाइड करता है और दूसरा जो कैस9 प्रोटीन उसके लिए पैम सीक्वेंस उस टारगेट सीक्वेंस में होना चाहिए। ओके सो दिस इज द टू कंपोनेंट बेस्ड जीन एडिटिंग टेक्निक। इसका यूज कर आप नॉक अप नॉक आउट नॉक इन या नॉक डाउन ऐसे अलग अलग मैकेनिजम्स आप कैरी आउट कर सकते हो। Okay, so this is a most efficient, faster, and most advanced gene editing technique which is nowadays used. It can be applied in a in vivo condition or in vitro condition. आप cells को petri dish पर isolate कर भी आप gene edit कर सकते हो। बाद में आप cells introduce कर सकते हो जो हम gene therapy में discuss करेंगे। या आप directly body में जो भी cells present है उनका भी gene directly edit कर सकते हो। So this technique is utilized for different purposes. क्रिस्पर कैस9 टेक्निक का यूज कर आप वायरल इन्फेक्शन अवॉइड कर सकते हो या आप कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हो। इवन आजकल आप कैस9 प्रोटीन की न्यूक्लियस एक्टिविटी इनएक्टिव कर जो कैस9 ऑप्टेन किया जाता है डी कैस9
डीएक्टिव कैस नाइन, इसका यूज कर और डीए कैस नाइन के साथ आप पर्टिकुलर जीन के लिए एक्टिवेटर या रिप्रेसर भी आप एसोसिएट कर सकते हो। एक्टिवेटर प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन को डी कैस नाइन के साथ एसोसिएट करो। डी कैस नाइन पर्टिकुलर किस पर आने के साथ एसोसिएट होगा, और ये पर्टिकुलर जीन के साथ जाकर बाइंड होगा। जैसे जीन ए के साथ बाइंड हुआ, जीन ए के साथ बाइंड होने के बाद आपने इसके साथ एक्टिवेटर एसोसिएट किया है, तो जीन ए का एक्सप्रेशन लेवल बढ़ेगा और जिससे प्रोटीन ज्यादा बनना स्टार्ट होगा। इफ प्रोटीन इज मोर, व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट विल अकर ऑन द सेल, दैट कैन बी स्टडीड। इट मींस गेन ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ चेंज कैन बी डन इन अ जीन। जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होता है, और आपने इसके साथ रिप्रेसर एसोसिएट कर डी कैस नाइन को क्रिस्पर कैस सर क्रिस्पर आरएनए के साथ इंट्रोड्यूस किया सेल्स में, तो जीन ए का एक्सप्रेशन कम होगा, और एक्सप्रेशन कम होने के बाद सेल्स पर क्या इफेक्ट होता है ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज वन टाइप ऑफ कैस नाइन ऑब्टेंड बाय डूइंग मॉडिफिकेशन इन अ नेटिव कैस नाइन जीन। नेटिव कैस नाइन जीन में जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है होती है, इसको इनएक्टिव कर आपने डी कैस नाइन ऑब्टेन किया है। इसका यूज मेनली पर्टिकुलर जीन का अपरेगुलेशन करने के लिए, पर्टिकुलर जीन का डाउनरेगुलेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ओके, सो बाय यूजिंग क्रिस्पर कैस नाइन सिस्टम यू कैन डू एनीथिंग विद द जीन। टारगेट जीन के साथ आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो, इवन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज भी कर सकते हो, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस आप कर सकते हो। सो दिस इज मोस्ट एडवांस्ड जीन एडिटिंग टेक्निक विच इज यूटिलाइज्ड। इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्रिस्पर सिक्वेंस अलॉन्ग विद ट्रेसर आरएनए, इसका फ्यूजन जो है स्मॉल जी आरएनए और कैस नाइन, दो कंपोनेंट को सेल्स में इंट्रोड्यूस करो, और उसके बाद ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनाएंगे टारगेट जीन में, और दिस डबल स्ट्रैंड ब्रेक कैन बी रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनएचजे एंड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट अ जीन एडिटिंग टेक्निक व्हिच इज बेस्ड ऑन द क्रिस्पर कैस नाइन। देन इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कंडीशनल जीन नॉकआउट। अब तक हमने जो जीन नॉकआउट डिस्कस किए हैं वे बाय बर्थ टाइप ऑफ जीन नॉकआउट है। जायगोट में ही आपने जीन नॉकआउट किया, एम्ब्रियोनिक स्टेमसेस में ही आपने जीन नॉकआउट किया। सो इसमें जीन जो नॉकआउट हो रहा है कंडीशनली नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर सेल्स में नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं हो रहा है, बाय बर्थ इसमें जीन नॉकआउट हो रहा है। लेकिन हमें स्टडी करना है कि अडल्टहुड स्टेज में पर्टिकुलर जीन एक्स जो है लीवर में काम क्या करता है। आप पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज के दौरान पर्टिकुलर सेल्स में किस जीन का क्या काम होता है, ये स्टडी करने के लिए आपको कंडीशनल नॉकआउट बनाना पड़ेगा। हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल नॉकआउट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग क्रेलॉक्स सिस्टम। अलॉन्ग विद दैट जीन नॉकआउट करने के लिए आप आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। सो दिस टू टेक्निक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी वी इन द नेक्स्ट लेक्चर अलॉन्ग विद द टू मेजर टेक्निक्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड फॉर जीन एडिटिंग जीन नॉकआउट, दैट इज क्रेलॉक्स सिस्टम बेस्ड कंडीशनल नॉकआउट्स एंड आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड नॉक डाउन और नॉकआउट टाइप ऑफ टेक्निक्स। Okay, so see you in the next lecture. Thank you.